कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कह रहे हैं, आप इस वीडियो में पूरा देख सकते हैं। तो आज मैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर में अपने पार्टी के विचार रखने के लिए और इस चुनाव में हमारे जो कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों को किस ढंग से लागू करेंगे इसका थोड़ा सा मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। और आज बीजेपी जो हमेशा जैसी बातें करती है झूठ बोलने का, तो अभी सिलसिला उसका जारी है। देखिए, हमारे तो 7 गारंटी हमने डिक्लेयर की है। उस 7 गारंटी में आप सबको मालूम होगा कि हमारा सबसे पहला मुद्दा स्टेटहुड का है और जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिलाने के लिए हमारी पूरी कोशिश रहेगी, हम इसको दिलाएंगे। और दूसरी जो हमारी गारंटी है, अच्छी सेहत हमारा हक है और इसके लिए हम 3 सूत्री कार्यक्रम में लगा दिए हैं। हर परिवार को 25 लाख का हेल्थ बीमा हम देंगे, 30 मिनट में सस्ती हेल्थ सर्विस और हर तहसील मोबाइल क्लिनिक, हर जिले में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल हमारा टारगेट है। और चौथा, महिला सम्मान हमारा एक, वो भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। घर की मुखिया को हर महीने 3,000 रुपए देने का हमारा वायदा है और स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रुपए इंटरेस्ट फ्री लोन हम उन ग्रुप्स को देंगे। चौथा जो है, कश्मीरी पंडितों का एक जो हक है और जिसको मनमोहन सिंह जी ने एक योजना तैयार की थी, उसको हम वो रिहैबिलिटेशन का प्रोग्राम हम लागू करेंगे और वो दिला के रहेंगे। पांचवा ओबीसी का हक, संविधान के तहत पिछड़े वर्ग को पूरा हक मिलेगा और जातीय जनगणना जो हम पूरे देश में इसके लिए लोकसभा चुनाव में वायदे किए थे, वो यहाँ पर भी ओबीसी का एक जो हक है
और लोगों के कल्याण के लिए ये जरूरी है। और जब हमको सही डाटा मिलेगा और सही आंकड़े मिलेंगे तो हम लोगों को नई योजनाएं और नई जो वेलफेयर स्कीम्स है उन वेलफेयर स्कीम्स को हम लोगों को दिला सकेंगे। यही मकसद है, इसमें कोई दुविधा नहीं है।